बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए, त्रिघात बहुपद बताइए, मतलब क्या बताना है बेटा आपको, ये बताना है। इसे बताने के लिए आपको ए बी सी और डी पता होना चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन में उन्होंने जीरोस के बीच रिलेशन की वैल्यूज दे रखी है, शून्यकों के बीच संबंध का क्या दे रखा है बेटा, मान दे रखा है 2 -7 और -14। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, और बेटा वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इसके अपॉन में 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर बेटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बेटा -7 दे रखा है और इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो इस 7 के अपॉन में भी 1 कर लिया। ठीक, अब बेटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14 दे रखा है और बेटा इसका फॉर्मूला होता है -d/a, तो बेटा इसके अपॉन में भी 1 कर लिया। अब बेटा आप कंपैरिजन करो ऊपर वाले से ऊपर वाले का कंपैरिजन, तो -b=2। ठीक है, ये माइनस साइन उधर लगा दो तो बेटा b मिला आपको -2। अब बेटा नीचे वाले से नीचे वाले का कंपैरिजन, तो a=2 क्या आया बेटा, 1, a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऊपर वाले से ऊपर वाले का कंपैरिजन, तो c=2 कितना है बेटा, -7। ठीक है, और a=2 क्या आएगा, 1, वो लिख चुके। ऊपर वाले से ऊपर वाले का कंपैरिजन तो क्या आया, -d=-14, माइनस से माइनस कैंसल, d कितना आया 14, और ए कितना आएगा 1, वो लिख चुके। यहाँ वैल्यू डालो, एक ए की जगह बेटा 1 लिखा, 1x³। बी की जगह बेटा -2, तो -2 और ये x²। सी की जगह बेटा -7x और बेटा डी की जगह बच्चों 14। ठीक है, तो ये हो गया x³ प्लस माइनस माइनस होता है 2x² प्लस माइनस माइनस होता है 7x और प्लस 14। इस तरह से आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद निकाल लिया। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बहुपद या पॉलिनोमियल दिया है, आपको जीरोस दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं बेटा, उसे मैंने अल्फा बीटा गामा मान दिया। आपसे क्वेश्चन में कहा है ए और बी की वैल्यू बताइए। तो बेटा सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, बहुपद की, तो बेटा इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, a=2 क्या हुआ, a=1। ठीक है, b=2 क्या हुआ बेटा, -3, साइन नहीं छोड़ना, और बेटा c=2 क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो c=1। ठीक है, और d=2 क्या हुआ बेटा, 1। अब क्या करेंगे, हम ये दो रिलेशन का उपयोग करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे। अल्फा की जगह बेटा a-b, बीटा की जगह बेटा a और गामा की जगह बच्चों a+b, ये माइनस बी की जगह बेटा -3 और बेटा ए की जगह 1, ये माइनस का बी प्लस का बी कैंसल, 1 2 3, 3 a है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आया, 3 से 3 कैंसल, a आया बेटा 1।
अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, अल्फा की जगह बेटा ए माइनस बी, बीटा की जगह बेटा ए और गामा की जगह ए प्लस बी, माइनस डी की जगह बेटा वन और ए की जगह बेटा वन। ठीक है, ये दोनों तो फॉर्मूला होता है काय का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये आपका ए और ये माइनस वन। अब बेटा ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, वन, यहाँ वन रखोगे तो ये वन हो गया माइनस बी स्क्वायर और बेटा ये भी वन हो गया और ये माइनस वन। ठीक है, अब ये है वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये वन, ये माइनस का वन है इधर जाएगा प्लस का वन, और ये माइनस का बी स्क्वायर है उधर गया प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितने हुए बेटा, यहाँ कर देती हूँ मैं, ये हो गए बेटा आपके टू और ये बी स्क्वायर। जब एक तरफ से स्क्वायर हटाया जाता है बेटा तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया, साथ में क्या आता है, प्लस माइनस बी आता है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ रूट लगता है, लगा दिया, आपको ए की वैल्यू वन मिली और बी की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू है।